मैंने रिजाइन कर दिया है, मैं नहीं आ रही हूँ। क्लियर हो गया है जे। उसके बाद सुन लो भाई, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? उसने रिजाइन कर दिया है, उसे काम पर नहीं आना है, वो नहीं आएगी, अब वो अपनी फैमिली के साथ रहेगी। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? कब से समझा रही है वो? मैं बोल रहा हूँ, वो बोल रही है, अब क्या पूरा मोहल्ला बोल रहा है? क्या है ये? और ये जे कैसा नाम होता है? कोई गुंडे हो क्या तुम? देखो तुम उसे बहुत तकलीफ दे रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, यहाँ से निकल जाओ वरना धक्के मारूंगा। अब बस भी करो मुझो, चुप रहो। डर गया। वो मेरी खास दोस्त है, बहुत ज्यादा खास, इसलिए उसकी बात मान रहा हूँ मैं, लेकिन दिमाग बहुत गर्म है। डेरेन का कॉल आया, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या जवाब दूं इसे, बताओ मुझे, मेरी हेल्प करो। सुनो जे, तुम मिस्टर जान से कहो कि सनम आज ऑफिस नहीं आएगी, बस इतनी सी तो बात बोली है, तुम ये कर सकते हो। आयान, डियर, आयान, इसका मिस्टर जान से कोई लेना देना नहीं है, ये डेरेन का काम है। सनम ने उनको कोई फाइल तैयार करके देने का प्रॉमिस किया था, वो 300 पेज को समराइज करने वाली थी, तुमने कहा था ना? हाँ मैंने किया था, लेकिन मिस्टर जान आज ऑफिस क्यों नहीं आए? उसका इससे क्या लेना देना? हाँ हम तुम्हारी बात कर रहे हैं और तुम मिस्टर जान की, उन्हें जो लगता है वो करते हैं। एक मिनट, अभी आंसर करता हूँ। हाँ हेलो मिस डेरेन, सनम यही पर ही है। हाँ मेरे सामने, बिल्कुल ये लीजिए। नहीं नहीं, फोन ठीक है। सनम तुम कहाँ हो? तुम अभी यहाँ आओ, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। तुम जिस हाल में हो, जहाँ कहीं भी हो, यहाँ फौरन ऑफिस आओ, समझ गई तुम? उसकी कोई जरूरत नहीं है मिस डेरेन, मैंने रिजाइन कर दिया है। क्या कहा तुमने? तुम अभी यहाँ आओगे और अपना काम खत्म करोगी, फिर तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? सनम प्लीज तुम ये कर दो, मिस डेरेन को छोड़ो, प्लीज मेरे लिए कर दो, मेरे लिए छोड़ो, कंपनी के लिए कर दो, कंपनी के लिए छोड़ो, मिस्टर जान के लिए, यार उनका क्यों सोचती हो, मिस्टर अजीज का क्या सोचेंगे, वो तो सोचो तुम। मैं बात कर रही हूँ ना जे। सनम बोलो, तुम आ रही हो ना? एक शर्त पर, अगर आप मुझे क्या? सनम तुम, मैंने तो रिजाइन कर दिया है तो आने की कोई जरूरत नहीं, पर अगर आप मुझे प्लीज कहेंगी तो मैं कोशिश करूंगी। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो। सनम एक मिनट। सनम डियर, क्या तुम प्लीज ऑफिस आ जाओगी? ऑफ कोर्स मिस डेरेन, मैंने आपको कभी ना कहा है, लेकिन मैं ऑफिस नहीं आऊंगी, आपका जो भी काम है आप फाइल्स घर भेज दीजिए। एक्चुअली तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली मिस्टर जान के घर पहुँचो, फाइल्स वहीं है। क्या मिस डेरेन, रख दिया? मिस्टर जान के यहाँ जाना होगा, फाइल्स वहाँ है, उन्होंने कहा कि वहाँ जाओ और उनके साथ काम। तो फिर मैं लेकर आता हूँ, तुम वहाँ मत जाओ, बस ये काम कर दो प्लीज। नहीं नहीं थैंक्स, मैंने कहा है तो मैं करूँगी, चली जाती हूँ मिस्टर जान के घर, जल्दी आ जाऊंगी। सनम मेरी बात सुनो, तुमने तो कहा था तुम मिस्टर जान की शक्ल नहीं देखोगी। मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी और ना उन्हें देखूंगी, बस आंखें बंद करके फाइल्स ले आऊंगी, और क्या। ऐसा करोगी तो तुम उसे नहीं बुलाओगी। सनम, ये सब क्या है? वो मैं बॉक्सिंग कर रहा था, तुम यहाँ पर कैसे? पता नहीं, वो मिस डेरेन ने आपके पास कोई फाइल छोड़ी है, वो फाइल मुझे चाहिए। ओके, लेकिन तुमने तो रिजाइन कर दिया ना? रिजाइन किया है ना, लेकिन ये मेरा फाइनल जॉब था जो मुझे पूरा कर देना है। मिस डेरेन ने कहा कि ये फिनिश कर दो। समझा, तुमने रिजाइन किया है और दोबारा तुम उस कंपनी में नहीं जाओगी, ठीक है? जाओ अंदर देख लो। ओह, मुझे बहुत
बुरा लगेगा, लेकिन आपने कहा था ना कि मेरा चेहरा नहीं देखोगी, तो अगर आप चाहे तो मैं नहीं। देखो सनम, तुम मुझे गलत समझ रही हो, क्योंकि मेरा वो मतलब नहीं था। तुम चाहो तो फाइल देख सकती हो। वैसे मैंने ये नहीं कहा कि तुम मुझे नहीं देख सकती हो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि तुम मुझे देखना चाहती हो। एनीवे, फाइल अंदर है तो तुम जा सकती हो। ठीक है, मैं ले लेती हूँ। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। वो ऑफिस की फाइल्स वहीं पर हैं, तुम खुद ले लो, मैं शार लेने जा रहा हूं। अगर अभी तुम चली गई तो मिस्टर जान को कभी नहीं देख पाओगी। मुझे अब यहाँ से निकलना होगा। थोड़ी देर यहाँ रुकने की कोशिश करो, कोई तो रास्ता ढूंढ लो। मैं कहूंगी क्या कि मुझे यहाँ इस घर में रुकना है? और क्या ये मेरे दिल की आवाज है? हाँ, मुझे तो लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। मैं तो खुद से ही बात कर रही हूँ, ऊपर से मैं अपने इनर वॉइस से बात कर रही हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी, उसके बाद वो नहीं दिखेगा। लेकिन मैं बात क्या करूंगी, कैसे बताऊंगी? क्या बात करूंगी मैं, अब तुम ही बताओ ना मुझे। सुन रही हो सनम? हेलो, हाँ ठीक है, एक मिनट मिस्टर जान। ठीक है, मिलती हूँ। तुम ठीक तो ना? मिस्टर जान, मैं गई नहीं, मैं रुकी हुई हूँ। वो फाइल्स चाहिए क्या आपको? वो मेरी फाइल्स है, लेकिन क्योंकि मुझे उनसे काम है, मुझे चाहिए वो। ऑफिस में कॉपी है ना? मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे मिस डेरन के साथ कुछ अच्छे टर्म्स नहीं है, और फिर सब लोग पूछेंगे कि रिजाइन क्यों किया, तो उनसे डील नहीं कर पाऊंगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारे पास कोई सेंसिबल आंसर नहीं है जवाब देने के लिए। हाँ शायद सच है। आई नो, बिल्कुल सच है। तो मैं इसकी कॉपी तुम्हारे घर भिजवा देता हूँ, तुम वहाँ से काम कर लो। नहीं, घर पर नहीं। वो क्यों? क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर। और ऐसा क्यों? क्यों? आप तो बहुत सवाल पूछते हैं मिस्टर जान। क्योंकि मुझे ग्रोसरी शॉप पर इसकी जरूरत नहीं होती, मुझे डिजिटल मीडिया पसंद नहीं है, मैं यहाँ काम कर सकती हूँ। यहाँ पर? हाँ वहाँ, एकदम खामोशी से करूँगी। सनम ये तुम क्या कर रही हो, मतलब कल रात वाला हैंगओवर तुम्हारा उतरा नहीं क्या? हाँ? नहीं तो, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ऐसा नहीं है, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, यहाँ क्यों आई हो? हाँ? मुझे तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। हाँ शायद आप सही कह रहे हैं, मैं चलती हूँ। एक्सक्यूज मी सनम। ये क्या कर रहे हैं मिस्टर जान? सॉरी, मैं शायद थोड़ा रूड हो गया था। देखो तुम यहाँ पर काम कर सकती हो, तुम जब तक चाहो तब तक तुम यहाँ पर काम कर सकती हो, तुम्हें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट जो चाहे वो कर सकती हो। हा? नहीं नहीं, मेरा जाना सही रहेगा। सनम प्लीज मत जाओ। देखो ना, तुम वहां पर बैठो और मैं कंप्यूटर लेकर आता हूँ, ठीक है? जाओ तुम वहां पर बैठो। मैं जाओ, प्लीज बैठो, मैं कंप्यूटर लेकर आता हूँ, तुम प्लीज। अब आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो ठीक है। हाँ, लेकिन तुम अभी तक गई नहीं, प्लीज वापस जाओ। जान, मैं जा रही हूँ। जाओ जाओ जाओ, कहीं मत जाना। ओके देखा ना तुमने, मैंने कर दिखाया, जीनियस। मिस सनम आपकी चाय। थैंक यू मिस्टर जान। और ये रहा आपका कंप्यूटर। थैंक यू एंड सॉरी मैंने आपको ऐसे परेशान किया। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। मैं अंदर बैठा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो बता देना। I'll be more than happy to help you. ठीक है। मैं बस फाइल्स एक बार देख लूँ। हाँ ये रही। थैंक्स थैंक्स।
जान चिकन सेलर्स आ रहे हैं और अभी तक हमारे डिजाइन फाइनलाइज भी नहीं हुए हैं और प्रेजेंटेशन भी बाकी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ओके डेरेन काम डाउन, तुम मुझे भेज दो मैं बना दूंगा। पर मैंने तो भेज दिया है, क्या आपने चेक नहीं किया? मैंने तो पहले ही आपको मेल कर दिया था और आपने अभी तक मेरा मेल चेक नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कर रहे हो आप मिस्टर जान? डेरेन तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके बाय बाय। फोन काट दिया उन्होंने, मेरा फोन काट दिया, कैसे हो सकता है ये? सनम सॉरी, मुझे कंप्यूटर पे थोड़ा काम है, एक प्रेजेंटेशन बनाना है, उसके बाद मैं तुम्हें दे दूंगा, प्लीज दे दो ना। इसमें बैटरी नहीं है, मैं उठ जाती हूँ, आप यहाँ। नहीं नहीं तुम यहाँ बैठो, मैं वहाँ पर बैठ जाऊंगा। ये लीजिए। हाँ श्योर, थैंक यू सो मच। अरे यार ये तो बंद हो गया, अब क्या करूं? मैं आता हूं उधर, ये लगा देता हूं, ये बहुत छोटा है, वहां तक पहुंचेगा नहीं। दीजिए इसे मुझे, ऐसे? हाँ ये चार्जर है तो लैपटॉप यहां लाना होगा। हाँ ठीक है, हो जाएगा अब चार्ज। हाँ हाँ इसे तो चार्ज हो जाना चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है, रुको ऐसे ही लगाना है ना। वाह ये तो चार्ज हो रहा है, बहुत सही हुआ ये तो, इट्स वर्किंग। और पता मैं स्क्रीन को प्रॉपरली देख भी नहीं पा रहा था, अब देख पा रहा हूँ क्योंकि लाइट बहुत ज्यादा थी वहां पर, लेकिन यहाँ पर लाइट एकदम परफेक्ट है, सही है। अब मेल चेक कर लेता हूँ। हाँ सही है। ओके प्रेजेंटेशन भी बनाना है। ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ? मुझे लगता है मेरे पैर जकड़ गए हैं, मैं थोड़ा चल के आती हूँ। सनम ये लैपटॉप ले लो तुम। ठीक है। सनम बाय द वे तुम नॉवेल कैसे लिखती हो? कैसे मतलब? नहीं वो तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं है ना इसलिए। हाँ मैं नोटबुक लिखती हूँ, वो ज्यादा पोएटिक होता है, पर अब मैं नहीं लिखती। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं राइटर नहीं बन सकती, नहीं बनना चाहती हूँ। सनम उसे मत खा। क्या कह रहे हैं आप मिस्टर जान? नहीं तुम्हें भूख लगी है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना सकता हूँ, आई मीन आई कैन कुक। हाँ लगी तो है, हम कुछ सैंडविचेस ऑर्डर कर ले, मैं कॉल करूँ क्या? हाँ मुझे भी काफी सफोकेटेड फील हो रहा है, यू नो आई वांट टू गो आउट कहीं बाहर जहाँ अच्छी हवा हो, तो चलते हैं किसी ऐसी ही जगह जहाँ अच्छा खाना हो। हाँ शायद आपको यहाँ बैठे बैठे बोर हो रहा है, चलिए मेरा काम हो गया है मैं निकलती हूँ। क्या ये बहुत ज्यादा हो जाएगा कि हम दोनों किसी खूबसूरत सी जगह में जाकर खाना खाएं?
क्या यार सनम, अगर तुम्हें घर जाना है तो तुम जा सकती हो। हाँ मुझे जाना है। आप कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें दरवाजे तक तो छोड़ने आ सकता हूँ ना, अगर तुम परमिशन दो तो सी ऑफ तो कर सकता हूँ। थैंक्स फॉर एवरीथिंग, आपके साथ काम करके मजा आया। ऐसा मत करो सनम। सनम अगर तुम चली गई तो हम दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे। पता है, पर मैं यहाँ काम नहीं कर सकती। मुझे काम करना पसंद है, पर ये जगह शायद मेरे लिए ठीक नहीं। मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाया। तुम सच में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो। गुड बाय मिस्टर जॉन। गुड बाय। बेटा तुमने तो कुछ भी नहीं खाया, तुम ठीक तो हो ना? मैं अच्छी हूँ, थोड़ी बोर हो गई हूँ, बाकी कुछ नहीं। हो सकती है, लेकिन हमें तुम्हें ऐसे देखने की कभी आदत नहीं थी ना। क्यों उदास हो, क्या हुआ बताओगी? तुम्हारे काम पर कुछ हुआ है या फिर वहाँ पे किसी ने तुमसे कुछ कह दिया? हाँ, किसी की वजह से ही परेशान हूँ। हाँ तो फिर वहां जाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, हम अपनी देखभाल कर लेंगे, तुम घर पर रहो। हाँ कहीं तुम कोई एहसान के बदले तो नहीं जा रही हो, मेरे लिए कर्ज तो नहीं लिया है? नहीं नहीं डैड, क्यों लूंगी? मुझे वहाँ के लोगों से कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ एक आदमी है बस, और कोई नहीं। मेरे पास बरसों से जबरदस्त है, अगर मैं उसे मैनेज कर सकती हूँ तो मैं किसी को भी मैनेज कर सकती हूँ। हाँ? आप चिंता मत कीजिए डैड। थैंक यू मेवकी बे, ये पी लो तुम। ये सारी चीजें मुझे उसकी याद दिलाती है, मैं क्या करूं? मैं खुली हवा में जाना चाहती हूँ। हाँ, जाओ, खुली हवा अच्छी होती है।